हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल योगेश में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं कि किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लैक कैसे किया जा सकता है। आपने बहुत सारे फोटोज के अंदर देखा होगा कि जो फोटोज होती है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा ब्लैक होता है, और जो इंसान है जिसकी फोटो होती है वो सिर्फ आपको शो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे बैकग्राउंड को ब्लैक कौन सी ऐप के द्वारा हम इजिली कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपके सामने जो फ़ोन स्क्रीन आई है और जो ऐप का नाम मैंने आपको बताया है कि जो स्नैपसीड नाम है ऐप का, ठीक है। तो आपको मैं ऐप का आइकन बता देता हूँ, तब के आपको समझ में आ जाए कि कौन सी ऐप है। तो ये देखो, राइट साइड में जो मिड में आपको दिख रही है स्नैपसीड नाम की एक ग्रीन कलर की जो उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो इस ऐप को यूज़ करके हम किसी भी बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब बीच में आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो उस पर आप क्लिक करें। तो ये मैंने प्लस का साइन क्लिक किया, तो कोई भी मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, जिसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक करना है, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया कोई भी, ये जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की जिसको मेरे को बैकग्राउंड ब्लैक करना है, ठीक है। इस स्क्रीन के राइट साइड में कुछ तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो बीच वाला जो ऑप्शन है वो है टूल्स का ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और टूल्स में ऊपर की तरफ आपको कर्व्स नाम का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस कर्व पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद सामने आपको एक कर्व खिलता है, ठीक है। इस कर्व को ऊपर नीचे करते हैं तो इसकी जो लुमिनेंस के अंदर चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसको कर्व को आपको क्या करना है, नीचे की तरफ करना है ताकि फ़ोटो पूरी ब्लैक हो जाए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपका रह जाता है तो फिर आप लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अभी मैंने इसकी लुमिनेंस को पूरा कम किया है, यहाँ पर एक 8GB का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस RGB पे क्लिक करने के बाद कर्व को फिर से आपको इसका नीचे करना है पूरा का पूरा। तो नीचे करने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपके जो स्क्रीन है वो ब्लैक दिखेगी आपको। उसके बाद इसको राइट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है व्यू एडिट, व्यू एडिट पर आप क्लिक करें, ठीक है। तो व्यू एडिट पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ओरिजिनल, एक कर्व, जो हमने अभी कर्व इसमें चेंजेस किया कर्व के द्वारा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इस पर कर्व पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पास तीन ऑप्शन और ओपन होते हैं, तो बीच में जो ऑप्शन आता है स्केच टाइप का उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया है तो आपकी जो फोटो है वो दिख जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी आप जहाँ पे आपको जैसे बैकग्राउंड को ब्लैक करना है तो इसमें बैकग्राउंड पे आप जब पेंट करोगे तो आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लैक होगा, ठीक है। राइट साइड में कुछ ऑप्शन है, उसमें देखो राइट साइड में एक आंख बनी हुई, आई बनी हुई, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये रेड शो होगा, लेकिन ये रेड आपको रेफरेंस के लिए शो होगा। इसको जब हटाओगे आप तो ये आपको जो आपका वहाँ पे कर्व में जो बैकग्राउंड था वही यहाँ पे आपको रियल में शो करेगा। अगर आपको ये रेड शो कर रहा था, आप इसको क्लिक करके यहाँ से ब्लैक में शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ अप डाउन के कुछ ऑप्शन बने, जैसे आपने अगर गलती से इस पर मतलब अपने पिक पे अगर आपने फेस पे या कहीं पे और जगह पे आपने इसको पेंट कर दिया है तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे जो कर्व है उसको ज़ीरो करना पड़ेगा और उसको वापस से पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो हट जाएगा, और वापस से इसको पेंट करने के लिए इसको वापस से 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा जो बैकग्राउंड उसको पेंट करना होगा ऐसे मैनुअली, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे पूरा कर देता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता ताकि आपका टाइम बच जाए। तो आपके सामने देखा कि आपने पूरा की मैंने इस पूरी फ़ोटो को है जो ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब काफ़ी अच्छी दिखने लगी है फ़ोटो। अब इस आपको राइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे बैक है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ बैक का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप बैक आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन में जाना है और कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं ताकि आपको ये जो बैकग्राउंड है उसके द्वारा जो आपकी फ़ोटो है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो आपको ट्यून इमेज में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको चेक करना है कि कहाँ पे इसको ये सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को भी देखना है थोड़ा सा कि कैसे आपको लगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा शेडो, इसको आपको थोड़ा बढ़ाना होगा शेडो को, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कम किया माइनस में, तो ये थोड़ी और अच्छी लग रही है, ठीक है। तो शेडो को थोड़ा कम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस यहीं पर जाना और एक ऑप्शन होगा विंटेज का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको बढ़ाना है तो ये थोड़ा सा इसमें और चेंजेस होगा, तो ये और थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगेगा, ठीक है। और फाइनली आपकी ये फ़ोटो तैयार है, पीछे से पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, और थोड़ा सा इसमें आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, तो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी मिलते हैं, जैसे स्मूथ,
तो इसमें थोड़ी और फोटोज़ में और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये फोटोज़ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से जो बैकग्राउंड को है पूरा ब्लैक कर सकते हो। अब इसको आपको सेव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा जो डाउनलोड जैसा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी फ़ोटो है जो गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप पूरा इस बैकग्राउंड को आप ब्लैक कर सकते हो और काफ़ी अच्छे इसमें फोटोज आपको दिखेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऐप का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।